First Choice Kids Wear रमजान स्पेशल ऑफर अप टू 40% डिस्काउंट के साथ एक लेटेस्ट कलेक्शन में हलीमा सुल्तान, शरारा पम्पलम, गाउन, बॉयज फुल सूट, वेस्टर्न आउटफिट और भी बेहतर सर्विस, प्रीमियम क्वालिटी, सबसे सस्ता और अच्छा। रमजान में आपकी फेवरेट शॉपिंग की चॉइस सिर्फ फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर। लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद है, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ताउते तूफान की वजह से अरब सागर में फंसे बार्ज P-305 से बुरी खबर सामने आई है। ऑपरेशन के दौरान 20 शव बरामद किए गए हैं, अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। बार्ज P-305 में 273 लोग सवार थे, जबकि 188 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 63 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बार्ज P-305 के अलावा गाल कंस्ट्रक्शन में 137 लोग सवार थे। बार्ज SS-3 पर 202 लोग सवार थे, जबकि सागर भूषण पर 101 लोग सवार थे या ये फंसे हुए थे, मगर इन्हें अब सुरक्षित स्थान पर कर दिया गया है और इनके खाने पीने की चीज़ें भी इन्हें पहुंचा दी गई हैं। वहीं बार्ज P-305 पर सवार 273 लोगों में से 188 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये जो साइक्लोन निकला था मुंबई से, यहाँ पे हवा की जो रफ्तार थी वो कम से कम 100 किलोमीटर पर आर के हिसाब से चल रही थी, और समुद्र में जो हमारी लहरें हैं वो कम से कम 9-10 मीटर की हाइट की ऊंचाई पे चलती है। इस कंडीशन में ऑपरेट करना, जहाज़ चलाना काफ़ी चैलेंजिंग है, ना सिर्फ मर्चेंटमैन के लिए लेकिन वॉरशिप्स के लिए भी। इस कंडीशन में जहाँ आपको दिखाई नहीं देता, आपने बारिश में देखा होगा कि कभी कभी बारिश इतनी पड़ती है कि आपके हाथ नहीं दिखते हैं, उसी कंडीशन में भी जहाज़ ऑपरेट हम करते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं, तो इसमें कठिनाई काफ़ी होती है। लेकिन इन कठिनाइयों को का सामना करने के लिए नौसेना जो है हम सबको पहले से ट्रेन करती है। हमारे ऑफिसर्स, हमारे सेलर्स, जितने भी नौसैनिक हैं, सब इन कंडीशन में काम करने के लिए सभी तैयार हैं, सभी ट्रेंड हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि जैसे हमें हुक्म मिला तो हमें एक घंटे के अंदर हमको जहाज़ को निकालना पड़ा यहाँ से। हालांकि आप अगर आपने देखा होगा कि परसों 17 तारीख के सुबह मुंबई में भी आपने देखा होगा कितनी बारिश पड़ रही थी, जहाँ आपको शायद हाथ भी दिखाई दे दिया। अभी इन कंडीशन में हमने जहाज़ को निकाला, सुरक्षित रहे खुद और उस एरिया में पहुँचे सर्च ऑपरेशन करने के लिए। हमने जब स्टार्ट की थी 17 के शाम को, और हमने लोगों को रिकवर करना किया समुद्र से, ये कम से कम उस शाम को और उस रात को अगले दोपहर तक हम कंटिन्यू इसी में लगे रहे। अब जैसा आप कह रहे थे कि उस दिन बारिश भी बहुत थी, जो हम कहते हैं नेवी टर्म डार्क नाइट, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता रात को, और लहरें भी काफ़ी ऊंची थी, लेकिन उसमें ऑपरेट करना, जैसे मैं कह रहा था, ये हमें सिखाया जाता है। इसलिए नेवी को ये सब काम करना, हाँ चैलेंजिंग तो है, कठिनाई तो है, लेकिन ये हम करते हैं।